अली आपको भी लगता है सारे इन सब तैयारी करने से पहले कह रहे थे अच्छा लोग मान नहीं रहे इसीलिए आपने पहले ही कॉम को सोशल मीडिया पे लगा दिया। देखिए आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कि दुनिया किस तरह मूव कर रही है। अब एलन मस्क आपको बहुत बुरा लगता था, आज वो जो कहता था आज वो करके दिखा रहा है। हम पीएमडीए इसलिए लेके आए थे कि जो अगला फैक्टर आ रहा है मीडिया के अंदर वो सोशल मीडिया आ रहा है, और सोशल मीडिया जब वो और वो किसी के कंट्रोल में नहीं है तो हम उसके ऊपर एक अथॉरिटी बनाना चाह रहे थे, उसे रेगुलेट करना चाह रहे थे, तो लोगों को कह रहे थे। वैसे ये जो आपने बात की ना किसी के कंट्रोल में नहीं, बड़े दिल को लगी है मेरे, और मैं कहने लगी थी क्रेडिट आपको ही जाता है, नहीं मानते थे कि वो कंट्रोल में नहीं है, करते थे क्यों हम पे कदगन लगाई जा रही है हमारे खिलाफ एहतजाज जुलूस, आज वो सारे कह रहे हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल बन सकता है, मैं इधर व्लॉग करूंगा। दिस इज द फैक्ट। आज सियासी बातें करनी है कि नहीं करनी? नहीं, नहीं करनी है, बिल्कुल करनी। आपने इंट्रो में कहा था सियासी बातें नहीं करनी लेकिन इतना तो बनता है ना, वो ये तो नहीं, नहीं, नहीं। मैं तो खैर कह रही थी कि सोशल मीडिया जो है आउट ऑफ कंट्रोल इनकी वजह से है, बट इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ना उस बात को घुमा दिया है। आप खुर्रम, आपकी तो ईद ऑब्वियसली हल्के में गुजर जाती होगी, तो हमारे टॉक शोज में देखते हुए अगर मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करूँ, देखते तो होंगे ना, आते नहीं है, देखते तो है ना, बिल्कुल देखो, वालिद साहब के अलावा और अपनी पार्टी लीडरशिप के अलावा फेवरेट सियासतदान कौन है? अपनी पार्टी के अलावा? एक मुश्किल सवाल कर दिया। अच्छा नहीं, अपनी पार्टी में मैं बोल दूंगी तो आप इतनी लंबी लिस्ट बता देंगे अपनी पार्टी की। उसमें गुजारिश ये है कि आप इसको यूं कर लें कि पार्टी के अंदर चॉइस दे दें। पार्टी के अंदर कौन है? मुझे एतराज है, पार्टी के अंदर ही चॉइस दें और चलें, पार्टी लीडरशिप को हटा दें और अपने वालिद साहब को हटा दें तो फिर देखें। मैं ये कहूँगा इस पर कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ हमारे घराने का इट गोज़ बैक टू 1960 जब पार्टी बनी थी। तो सच्ची बात है, ट्रूली स्पीकिंग, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा कोई लीडर मुझे जचता नहीं, मतलब अच्छा। मैं कोई और नाम दे नहीं सकता, मतलब मेरी पर्सनल ये राय है। ओके, अब इस पर मुझे कोई शक नहीं है कि आप एक बिल्कुल पक्के रिवायती सियासतदान बन चुके हैं क्योंकि आपने घुमा के यूथ में भी अपनी लीडरशिप को। अगर यही सवाल आप अली साहब से पूछते हैं कि अपनी बड़ा मुश्किल होता है अपनी पार्टी के लिए, शायद वो किसी आप नाम दे, मैं तो बताइए बताइए ज्यादा से आप देखें आजकल वो आपके हक में बड़ा बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये सवाल आपने ऐसे टाइम पे कर दिए, शायद साल पहले ये जवाब ना आता, बस रीजंस भी आएंगे। लतीफ खोसा साहब का भी नाम लेते हैं। लतीफ खोसा साहब मुझे कभी भी पसंद नहीं थे। मैंने चीफ जस्टिस मूवमेंट गुजारी है एतजाज साहब के साथ। देखिए वो इंसान पार्टी से भी ऊपर है, एक अपनी सोच रखता है, ना कर सकता है, अपनी लाइन ले सकता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि हाँ उसका एक स्टैंड है, एक उसने मॉरल स्टैंड क्रिएट करता है। पीपल्स पार्टी रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के अंदर एक टाइम पे आके जजेस की बहाली नहीं चाहती थी, एतजाज साहब खड़े थे। आप मुझे कहेंगे लॉयर्स आपको, मैं मुनीर मलिक का नाम लूंगा आपको, कोड़ा लायो है, खड़े हुए हैं, मुश्किल देखी है उन्होंने। तो अदर देन पार्टी, साद रफीक बहुत अच्छा है, वेरी गुड स्पीकर, नीचे से ग्रो किया। नू लीग का भी कोई नाम आया और वो भी अली नवाज अवान के मुंह से, वाह, हमेशा आज वाकई ईद हो गई है। लेकिन रीजंस होते हैं ना, ग्राउंड से एक बंदा उठा, बिल्कुल सही। लेकिन यहां मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आपने तलाश साहब की बात की, देखें ये क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को जाता है कि अगर किसी का ओपिनियन डिफर करता है पार्टी लाइन से, फिर भी उसको इतनी स्पेस दी जाती है वो अपनी बात कर सके। आपने लॉयर्स मूवमेंट की बात की, बिल्कुल ठीक है, उनका एक स्टांस था उस पर, और उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के साथ उनकी वापस्तगी में कोई शक व शुबा किसी को आज की डेट में भी नहीं है। वो अपनी बात करते हैं, खुल के करते हैं, और पार्टी में जमहूरियत है, अगर आप राय से इख्तलाफ करते हैं आप कर सकते हैं, मीडिया पर करते हैं, दूसरे फोरम्स पर करते हैं, तो ये भी क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है कि हम ये स्पेस देते हैं अपने लीडर को बात कर सकते हैं। मारिया, वैसे हालात तो बड़े मुश्किल हैं जो आजकल चल रहे हैं, आप जब टीवी ऑन करते हैं, जब न्यूज़ चैनल लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्योटिक स्टेटमेंट्स या कोई ऐसी कोई किसी सियासी जमात की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको लग जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि शायद हालात ठीक हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। एक्चुअली सादी, मेरे ख्याल से जो पर्सपेक्टिव ये होता है कि जब भी आप एक बड़े मुल्क को एक बहुत बड़ी जो है चैलेंजेस को देखते हैं, तो उसमें हमेशा जो स्ट्रेंथ होती है वो रिफॉर्म की होती है। हाँ, दैट्स ट्रू। और समटाइम्स जो कहते हैं रिफॉर्म आसान नहीं होता, स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये एक लर्निंग कर्व है।
मेरे ख्याल से पाकिस्तान डेमोक्रेसी से थोड़ा सा थोड़ी सी एवोल्यूशनरी फॉर्म से गुजर रहा है. कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं, असल चैलेंज ये कि आप लोगों तक क्या गवर्नेंस लेके जा रहे हैं. वो मेरे प्रोड्यूसर साहब और मेरी टीम को भी थोड़ी आज हैरत हो रही है कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस बातें हो गई आज के दिन जो है. वो चाह रहे हैं कि वापस जो है ना थोड़ा लाइट चैट अपनी ऑडियंस के लिए, वरना कहेंगे रेगुलर 92.8 में और इस ईद शो में क्या फ़र्क रह जाएगा. सो वापस आते जनाब, हम सियासतदानों की बात कर रहे थे. तो जैसे मैंने पहले कहा था कि अंबर आप तो इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, सियासत से दूर दूर तक आपने कहा कोई ताल्लुक नहीं है, बट ये जितने चेहरे बैठे हैं आपके साथ, आप इनको पहचानती हैं? कोई बात ना करते तो आपको ना पता चलता? नहीं ना, शायद पता चलता. गहरी नजर आपकी इन चीजों पे जरूर होती होगी कि किसने क्या पहना है और कौन कैसा दिख रहा है, बीइंग अ डिजाइनर, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट. सो हु इज रियली वेल ड्रेस्ड दीस डेज, मेल पॉलिटिशियन एंड वन फीमेल पॉलिटिशियन? सो टू मी आई थिंक अब आप लोग सारे शायद हंसे हैं इस बात पे, बट मेरे लीडर तो मुझे अच्छे लगते हैं उनके. ही इज वेरी स्टाइलिश. अच्छा, आपके लीडर हैं कौन? हमें तो पता ही नहीं था कि पार्टी एफिलिएशन भी है. पहले लीडर का बताया, फिर आगे. ये तो नहीं, मैं पीएमएलएन से हूं, मुझे मैं उसको सपोर्ट करती हूं. पीएमएलएन देखें, आज हमारे पास पीएमएलएन का पॉलिटिशियन कोई नहीं था, तो इन्होंने कमी पूरी कर दी पॉलिटिशियन. सो मैं शुरू से उन्हीं को सपोर्ट कर रही हूं और किसी के दबाव में नहीं कर रही, अपनी मर्जी से कर रही, बिकॉज़ आई बिलीव इन व्हाट आई सी. सो आई थिंक जो वो डिलीवर कर, शहबाज शरीफ साहब ने जो बोला उन्होंने डिलीवर भी किया सो फार. शरीफ पुल की बात, अच्छा चलिए, वो डिलीवर किया. अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे वजीर आजम जो भी, बट पर उनका स्टाइल मुझे पसंद है. वेल ड्रेस्ड आपको लगता है शहबाज शरीफ है? हां जी, ख्वाजा आसिफ इज अली नवाज जमान ने यूं किया है. आपके भी लीडर हैं वेल ड्रेस्ड, पर उससे मोस्टली शलवार कमीज में होते हैं. इमरान खान इज आल्सो लाइक ही वेयर्स नाइस स्टफ, सो आई थिंक ही इज आल्सो इज ओके स्टाइलिश मैन. और फीमेल पॉलिटिशियन में अब मुझे पता है किसका नाम लेंगी फिर. आपको खुद भी पता है, मरियम नवाज ऑफ कोर्स, हिना रबानी खर्ज भाई स्टाइलिश, एंड शी कैरीज हरसेल्फ रियली नाइसली, सो आई थिंक दीस बोथ. अच्छा वैसे क्या वजह है पीपल्स पार्टी के पास ज्यादा अच्छी शुरू से खवातीन रही हैं? नो अभी भी फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी कर रही हैं, पहले भी, अभी भी. आई थिंक काफ़ी अच्छा. वैसे अली, आपको लगता है कि पीटीआई ने उस तरीके से स्पेस खवातीन को दी है जैसे पीपल्स पार्टी में? पीपल्स पार्टी बहुत पुरानी जमात, मतलब आप थोड़ा एवोल्यूशन प्रोसेस भी होता है जमातों के अंदर, टाइम के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं. 70s की एक पार्टी बनी हुई है और उसके आहिस्ता 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 बिल्कुल आगे काफ़ी अच्छे लोग आए. इवन हमारी पार्टी में आप शीरी मजारी का कोई आप देखें, आपकी तो रही होंगी साथ कहीं ना कहीं, आई थिंक सो के वन ऑफ द फाइनेस्ट, अगर आपके लेजिस्लेटर अगर असेंबली में कोई हैं, जितने उन्होंने वुमन पार्लियामेंटेरियन औरतों के हकूक के बारे में जो उन्होंने लेजिस्लेशन किया. नुकसान कर दिया ना कौम का निकल के पार्लियामेंट से फिर. नहीं नहीं, वो दोबारा आने के लिए किया ना दोबारा. ये अच्छा है, एक दफा निकलेंगे क्योंकि दोबारा आ सकेंगे. नहीं देखिए, हम फिर मैं ये फिर वो पॉलिटिक्स की तरफ बात चली जाएगी, पर बात करने का पार्टी क्यों बनती है उसका एक नज़रिया होता है, वो चेंज लाना है जिस तरह भी, चाहे वो इकोनॉमिक चेंज है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, वो इसीलिए आते हैं ना. तो मैं ये समझता हूँ कि होना चाहिए. हम थोड़ा आप टू पार्टी सिस्टम को तोड़ा है इस जमात ने, इस पूरे रीजन के अंदर. मतलब इंडिया कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, 1.5 अरब आवाम है, करोड़ वोटर है वहाँ, और वो टू पार्टी सिस्टम पर चल रहे हैं. आप हमारे साउथ में देखें, आपकी सारी किंगशिप है, राइट पे देखें आप, आगे भी जहाँ टू पार्टी सिस्टम या किंगशिप है, एक पार्टी आई है, नई आई है, उसने डिफरेंट पॉलिटिक्स की है, उसने अपनी स्पेस बनाई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, तो आपने कुछ अनयूजुअल तो करना होता है ना.